हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर आ रही है? कोई इको तो नहीं हो रहा ना साउंड के अंदर? इको हो रहा है तो मेरे को बताइए स्टूडेंट, ठीक है ना? किसी तरह का कोई भी इको आ रहा है तो आप मेरे को बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी हमारे कई ढेर सारे बच्चे लाइव आ गए हैं। ओके, सबसे पहले तो मंजूषा लाइव आई थी, सीमा, कार्तिकी, शानिका, ओमकार, समीक्षा, भूषण, कई ढेर सारे बच्चे हमारे लाइव आ गए। बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स। मैं कई ढेर सारे बच्चों का नाम नहीं ले पाया हूँ क्योंकि अपने को जल्दी सिलेबस अपना स्टार्ट भी करना है, खत्म भी करना है और आप सब लोगों को अच्छा समझ में आना भी चाहिए, ठीक है? कोई इको नहीं आ रहा ना गायत्री? ओके, थैंक यू। बीच में इको आने लगे ना तो मेरे को बता दिया करो, ठीक है ना? क्योंकि मेरे को वीडियो तो दिखता है पर मेरे को साउंड समझ में नहीं आता किस तरह का साउंड यहाँ से जा रहा है। ओके ओके, तो बेटा हमने कल के लेक्चर में फैरिंग्स के बारे में देख लिया था। हमने क्या देखा था फैरिंग्स के बारे में? कि फैरिंग्स एक तरह का क्रॉसिंग है, किसके बीच में? विंड पाइप के बीच में और फूड पाइप के बीच में। ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने बताया था कि फैरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो आता है बेटा ईसोफेगस। कल के लेक्चर में बताया था मैंने, ईसोफेगस जो है फैरिंग्स से चालू होता है और स्टमक पे जाके फिनिश होता है, खत्म होता है। तो ईसोफेगस जो होता है ना वो करीबन 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, एक मस्कुलर डक्ट होता है, ठीक है? और ईसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है दैट इज द स्टमक। ये क्या होता है बेटा? स्टमक, स्टमक हमारी एलिमेंट कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। स्टमक जो होता है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब स्टमक के 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं कल के लेक्चर मैंने डिस्कस किए थे। मैंने बताया था कि स्टमक में 4 पार्ट है हमारे, कार्डियक स्टमक, फंडक स्टमक, उसके बाद जो है बॉडी ऑफ स्टमक और पायरोरिक स्टमक, ये मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक जहाँ खत्म होता है वहां से जो स्ट्रक्चर चालू होता है वो कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पोर्शन होता है। ये पोर्शन जो है तकरीबन 7 मीटर लॉन्ग होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा होता है, तो जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। ह्यूमन कैसा है? ओमनिवोरस, तो इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है दोनों के इंटरमीडिएट है। मतलब ये 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर समथिंग, ठीक है? अब ये 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। इसके 3 पार्ट कौन कौन से हमने कल के दिन डिस्कस किए थे? पहला पार्ट हमने बताया था ड्यूडेनम, ठीक है? दूसरा पार्ट मैंने बताया था जेजुनम और तीसरा पार्ट मैंने बताया था एलियम। ये 3 पार्ट में जो डिफरेंशिएशन है ना वो डायमीटर के बेस पे है। देखो ड्यूडेनम का डायमीटर सबसे ज्यादा है पर इसका लेंथ सबसे कम। जेजुनम इंटरमीडिएट है डायमीटर के मामले में भी और लेंथ के मामले में भी। एलियम सबसे थिन स्ट्रक्चर है, सबसे लंबा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मेनली खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पर? एलियम के अंदर होता है, ठीक है ना? इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना? तो लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करें उसके पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दूं। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन को आप अंदर से देखते हो ना तो आपको इसके अंदर छोटे छोटे ढेर सारे हेयर जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए दिखाई देंगे ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? विली के नाम से जानते हैं। और बेटा ये जो विली होते हैं ना इनके ऊपर और छोटे छोटे बारीक बारीक विली प्रेजेंट होते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो विली के नाम से जानते हैं। एक्चुअली बेटा ये जो इंटेस्टाइनल विली होते हैं ना इनकी जो लाइनिंग होती है किसकी बनी होती है? कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। जरा इसकी इस स्मॉल इंटेस्टाइन की इस कॉल्यूमनर एपिथेलियल को बड़ा करके दिखाएं ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जो विली है उसके ऊपर भी जो है माइक्रो विली प्रेजेंट है। विली के ऊपर क्या प्रेजेंट है? माइक्रो विली प्रेजेंट है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है ना वो बढ़ जाए, ठीक है? अब इन विली के अंदर आपको क्या क्या दिखाई देगा जरा देखो बेटा। विली के अंदर अपने को देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं?
आपको देखो रेड और ब्लू कलर की क्या दिख रही, ब्लड कैपिलरी दिख रही ना, ये रेड और ब्लू कलर से। और बीच में आप देखेंगे, बीच में आपको जो है येलो कलर की एक डक्ट दिख रही ना, इसे अपन क्या बोलते हैं, लैक्टियल के नाम से जानते हैं। तो लैक्टियल क्या होता है, कैसा होता है, मैं आगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन है विली का, हमने कल डिस्कस किया था। कल मैंने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया था। देखो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन जो है डायमीटर में लार्ज होता है, पर लंबाई में छोटा होता है बेटा, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है, किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, वो कितनी होती है, 1.5 मीटर समथिंग लॉन्ग होती है बेटा, ये ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। ये तीन पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, कौन कौन सा, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम वाला पोर्शन कौन सा है, जरा देखो, मैं इसको मार्किंग सर्कल में मार्किंग करके बता रहा हूँ। देखो ये वाला पोर्शन सीकम है, ये कुछ ऐसा होता है सीकम वाला पोर्शन, एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड से बेटा ये क्लोज रहता है। जहां क्लोज रहता है वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें से निकला हुआ रहता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अब ये सीकम जो होता है बेटा, जो शाकाहारी जानवर होते हैं ना, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं ना, उसमें ज्यादा डेवलप होता है, और कार्निवोर एनिमल में ये कम डेवलप होता है। अब इसका काम क्या होता है बेटा सीकम का, सीकम का काम ये होता है बेटा कि यहाँ पर जो भी प्लांट प्रोडक्ट है उनका यहाँ फर्मेंटेशन होता है, और उस फर्मेंटेशन से विटामिन तैयार होते हैं, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब ह्यूमन के भी सीकम में आप देखिए, आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ दिख रहा होगा। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ दिख रहा है ना आपको, इस प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं क्या, इसे अपन बोलते हैं बेटा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। बेटा ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ना, ये एक्चुअली हर्बीवोरस एनिमल में बहुत डेवलप होता है, कुछ हर्बीवोरस एनिमल के अंदर। बेटा इसके अंदर एक्चुअली क्या होते हैं, इसके अंदर जो सेलुलर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं, अब देखो बेटा एक्चुअली होता क्या था कि एक जमाने में ह्यूमन बीइंग 100% वेजिटेरियन था, 90% एकदम वेजिटेरियन। तो उस जमाने में जो भी घास फास खाता था, घास क्या होता है, केमिकली सेल्यूलोज होता है, ओके। तो घास में जो सेल्यूलोज होता है उसका डाइजेशन यहाँ पे होता था, कहाँ पर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर होता था। अब आपने पढ़ा होगा प्री हिस्टोरिक एज में, अश्म युग में ह्यूमन ने फायर की डिस्कवरी कर ली थी, और फिर उसके बाद उसने नॉन वेज खाना चालू कर दिया था, वेज खाना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया, ठीक है। अब जब उसने वेज खाना काफी कम कर दिया तो इसमें जो बैक्टीरिया थे बेचारे वो भी मर गए। मतलब ह्यूमन में क्या होता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है, अनवांटेड स्ट्रक्चर होता है, और बेटा कई बार इसमें पता है इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पता है एब्डोमेन के अंदर बहुत पेन होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, इसको काट के अलग कर देता है। आपने सुना होगा कि एक्स वाई जेड पर्सन का अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन यही होता है, इसमें यदि कोई इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर इसको कट करके रिमूव कर देता है, हटा देता है, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट गायत्री, ये जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया बेटा अपना क्या, सीकम। सीकम के बाद आता है कॉलन। अब कॉलन जो होता है बेटा, ये चार पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट है बेटा इसके, जरा देखिए। एक पार्ट तो इसका ऐसा है जिसमें फूड ऊपर की साइड में जाता है, इसे अपन कौन सा कॉलम बोलते हैं, असेंडिंग कॉलम के नाम से जानते हैं। दूसरे कॉलम में देखो इस तरह से खाना आ रहा है इधर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ये कौन सा हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गया। और एक कॉलन का पोर्शन देखिए जहाँ पे खाना इधर आ रहा है, नीचे की साइड में आ रहा है, इसे अपन क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कॉलन के नाम से जानते हैं। और कॉलन का एक पोर्शन होता है वो थोड़ा सा तिरछा होता है, ऑब्लिक होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, पैल्विक कॉलन बोलते हैं, या इसे अपन बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलन। सिग्माइड कॉलन के नाम से जानते। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि कॉलन जो है बेटा वो चार पार्ट में डिफरेंशिएट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड पेल्विक कॉलन। अच्छा, यहाँ से अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो रेक्टम में जाके स्टोर होता है। अब बेटा देखिए, डाइजेशन की प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं है कि सुबह 8 से 12 बजे तक डाइजेशन होता है फिर बंद हो जाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस, तो कंटिन्यूस फीकल फॉर्मेशन होता रहता है धीरे धीरे, ठीक है।
तो पहले फीकल को स्टोर किया जाता है कहाँ पे, रेक्टम में, और जब रेक्टम फिलअप हो जाता है फिर एनस से फीकल मैटर को बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना बेटा आपको, ठीक है। अब ये जो एनस होता है ना, एनस जो है देखिए बेटा किस तरह का होता है। बेटा एनस के अंदर आप देखेंगे जैसे कि ये रेक्टम है, और रेक्टम की जो ओपनिंग है बेटा ये एनस। अब बेटा आप देखेंगे एनस पे एक्चुअली दो स्पिंचर होते हैं। ऊपर वाला जो स्पिंचर होता है ना ये किसका बना होता है, ये बना होता है इनवॉलेंट्री मसल्स का। और इसके नीचे वाला जो स्पिंचर होता है ये बना होता है किसका, वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है। अब इनवॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, ये हमारे स्टूडेंट्स को सबको पता है ना, अपन ने लोअर क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी बताने वाला हूँ कुछ समय के बाद बेटा आपको, ठीक है। देखो बेटा वॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है, और इनवॉलेंट्री मसल्स जो है हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। अब जब रेक्टम में फीकल मैटर आके भर गया, अब आप देखेंगे कि रेक्टम में जैसे ही फीकल मैटर आके भर गया तो फीकल मैटर क्या करता है कि इनवॉलेंट्री मसल्स के स्पिंचर के ऊपर प्रेशर डालता है। अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि इनवॉलेंट्री मसल्स का जो स्पिंचर होता है बेटा ये ओपन हो जाता है। अब प्रेशर किसके ऊपर आएगा, प्रेशर आता है बेटा वॉलेंट्री मसल्स के स्पिंचर के ऊपर। जब पर्सन को जो है देखिए ना थोड़ी फ्रेश होने की इच्छा होती है, फिर वो जो है फ्रेश होके आता है ना, हाँ, तो ये कब, जब वॉलेंट्री मसल्स के ऊपर प्रेशर लगता है तब स्पिंचर। तो यहाँ पे देखिए आप एनस के अंदर दो स्पिंचर है, एक वॉलेंट्री मसल्स का बना हुआ है और दूसरा इनवॉलेंट्री मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। अब बेटा कुछ एनिमल बड़े इंटरेस्टिंग एनिमल है, मैं थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। देखो बेटा ये जो रैबिट आपको दिख रहा है ना, रैबिट डायग्राम में दिख रहा है, अब रैबिट के संग बड़ी समस्या है। एक्चुअली बेटा इसमें समस्या क्या है, इसके संग ये घास खाता है, पता है आपको केमिकली जो घास होता है बेटा ये क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, ठीक है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, इसकी बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, रेक्टम में हो रहा है। तो बेटा ये करता क्या है कि सुबह से शाम तक ये जो भी घास खाता है ना, उस मतलब घास खाएगा, घास में जो सेल्यूलोज है उसका डाइजेशन कहाँ होगा, रेक्टम में होगा। रेक्टम में खाने का एब्जॉर्प्शन तो होता नहीं, रेक्टम से खाना कहाँ जाता है, डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो शाम को जो फीकल मैटर ये बाहर निकालता है, इसको दोबारा से बेटा ये फीड कर लेता है, खा लेता है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज होता है। मतलब ये एनिमल कैसा है जो अपने फीकल मैटर को ही खा रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टली अपने फीकल मैटर को ही खा जाता है बेटा ये, मतलब कैसा एनिमल हो गया ये, कैप्रोफेगस एनिमल हो गया। मैंने बताया था कैप्रोफेगस एनिमल, रैबिट, पिग, एक कैप्रोफेगस एनिमल है। पिग भी देखिए ना, वो भी फीकल मैटर खा जाता है, वो अपना नहीं खाता है, दूसरे एनिमल का खा जाता है फीकल मैटर। और ये भी ऐसे ही करता है, ये अपने ही खाता है, कौन, रैबिट। तो आपने देखा ना रैबिट कितने साफ सुथरे एनिमल होते हैं ना, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं रूमिनेटिंग एनिमल्स के बारे में, उनके स्टमक के बारे में बात करने वाला हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टमक होता है उनका। रूमिनेटिंग एनिमल्स पता है ना आपको बेटा, ऐसे एनिमल जो कि रूमिनेटिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, रूमिनेटिंग एनिमल्स के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखो ये गाय दिख रही है ना आपको, मुंह चलाती हुई दिख रही है, ये जो एक्टिविटी दिख रही है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि ये एक्टिविटी अच्छी तरह दिखाई दे आपको, ठीक है बेटा। ये जो एक्टिविटी दिख रही है, ये वाली जो एक्टिविटी है, इसे अपन बोलते हैं बेटा रूमिनेटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब एक्चुअली इन एनिमल के अंदर क्या होता है, किस तरह की मैकेनिज्म होती है, मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ बेटा। जो रूमिनेटिंग एनिमल होते हैं ना, इनका स्टमक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है। कैसा होता है जरा समझिए बेटा, इनका स्टमक कैसा होता है रूमिनेटिंग एनिमल का, जरा समझो इसको। देखिए बेटा रूमिनेटिंग एनिमल का जो स्टमक होता है कुछ इस तरह का होता है, मतलब आप देखेंगे कि इनके स्टमक में
फोर चैम्बर है। आप देखेंगे कि माउथ से जब कोई एनिमल, ये रूमिनेटिंग एनिमल जब खाना खाते हैं तो माउथ से बेटा ये भी जो घास खाते हैं वो घास कहाँ आएगा, इनके स्टमक में चार चैम्बर होते हैं। पहले चैम्बर का नाम होता है रूमेन, दूसरे का नाम होता है रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन का नाम क्या है? हाँ, नेक्स्ट पोर्शन का नाम है बेटा ओमेसम। और उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है एबोमेसम। अब बेटा देखिए, इन्होंने कोई भी खाना खाया, ये रूमिनेटिंग एनिमल्स हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अब इन्होंने जो भी खाना खाया, मतलब घास खाया इन्होंने, घास में क्या है? सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज का डाइजेशन एनिमल की बॉडी में कोई कर ही नहीं सकता। अब ये जो रूमिनेटिंग एनिमल होते हैं ना, इनके स्टमक के दो चैम्बर कौन कौन से? रूमेन और रेटिकुलम। इसमें क्या होता है कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो जो ये एनिमल जब खाना खाते हैं तो वो फूड कहाँ जाएगा? वो फूड जाएगा बेटा इनकी बॉडी के स्टमक के कहाँ पे? रेटिकुलम में और रूमेन में। यहाँ पे क्या होगा? सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब सेल्यूलोज का डाइजेशन हो गया, घास जो इन्होंने खाया वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, सॉल्युबल हो गया घास। अब ये वापस कहाँ आता है? माउथ में वापस जाता है ये यहाँ से। अब ये यहाँ से वापस कहाँ जाएगा? माउथ में जाएगा। अब कैटल क्या करेगा बेटा? कैटल जो है इस घास को अच्छी तरह से चबा चबा के बारीक करेगा, मैस्टिकेट करेगा प्रॉपरली, और मैस्टिकेट होने के बाद ये घास वापस से फिर बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये वापस जो है बॉडी में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, कहाँ जा रहा है जरा समझिए। अब ये बेटा ये घास जो है माउथ से इन्होंने चबा चबा के बारीक कर दिया, अब घास वापस कहाँ हो गया? बॉडी में गया, स्टमक में गया। अब स्टमक में ये जो घास जाएगा ना, ये कहाँ जाएगा? ओमेसम में जाएगा। ओमेसम से कहाँ जाएगा? एबोमेसम में जाएगा, और वहां से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इनके स्टमक में चार चैम्बर हैं। अपने स्टमक में भी तो चार चैम्बर अपने पड़े थे ना, कार्डियक, फंडस, बॉडी ऑफ स्टमक और पाइलोरी। उसी तरह से बेटा इनके स्टमक में कितने चैम्बर हैं? चार चैम्बर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो खाने की मैकेनिज्म को समझो बेटा, इन एनिमल में क्या हुआ? एनिमल ने जो भी फूड खाया वो कहाँ गया? स्टमक के रूमेन में गया। रूमेन से कहाँ गया? रेटिकुलम में गया। रेटिकुलम से जो है वापस बेटा इनके माउथ में जाता है, और माउथ से वापस बारीक होके फिर वो कहाँ जाता है? फिर वो आएगा बेटा वापस कहाँ पर? ओमेसम में। और ओमेसम से कहाँ जाएगा? एबोमेसम में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता ठीक भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। कुछ एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, इसलिए मैंने रूमिनेटिंग के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर होता है तो ठीक है बेटा, बाकी इसमें कोई ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, ओके। अब इसके बाद आते हैं बेटा कि हम अपने एलिमेंट्री कैनाल को कट करके देखें। भाई हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है, यदि हम इसको काट के देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, ठीक है, वो देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और इसको अपन कट करके देखें, काट के देखते हैं। हमने ऐसे काट दिया इसको और काट के देखा इसको किसमें? माइक्रोस्कोप में, कि भाई इसमें कौन कौन से लेयर दिखते हैं। तो हम देखेंगे बेटा इसमें कौन कौन से लेयर दिखाई देते हैं, वो अपन देख समझेंगे, ठीक है। तो अपन इसको इस तरह से काट के देखें ना, तो
तो अपन क्या देखते हैं कि हमारा जो एलिमेंट कैनाल होता है, तो बेटा हिस्टोलॉजिकली हमारे एलिमेंट कैनाल में जो है चार लेयर दिखाई देते हैं। कितने लेयर दिखाई देते हैं? फोर लेयर, जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेयर हमें एलिमेंट कैनाल में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से लेयर देखने को मिल रहे हैं, मैं थोड़ा उसको डिस्कस करता हूँ। देखो बेटा, सबसे बाहर की साइड में जो लेयर दिखाई देता है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक लेयर होता है, ठीक है? और बेटा इस लेयर को अपन क्या बोलेंगे, इस लेयर को अपन बोलते हैं सिरोसा। ठीक है, तो सबसे आउटसाइड में एलिमेंट कैनाल के जो लेयर दिखाई देता है, ये लेयर कौन सा हो गया बेटा, ये लेयर हो गया सिरोसा। ठीक है, आप इसके अंदर देखते हैं। अब इसके अंदर यदि आप देखेंगे कि इसके अंदर कौन से लेयर है, तो इसके अंदर आपको जो है मसल्स का बना हुआ लेयर दिखाई देता है। अब देखो मसल के लेयर में बेटा दो लेयर तो होते हैं, ये कौन कौन से लेयर होंगे देखिए। अब इसके अंदर आपको जो पूरा का पूरा जो लेयर दिख रहा है, ये कौन सा है, मसल्स का बना हुआ लेयर। दो तरह की मसल्स हैं, उनका लेयर है, ठीक है। देखो बेटा, हमारे जो एलिमेंट कैनाल के अंदर दो तरह की मसल्स होती हैं। मैं पहले थोड़ा बता दूं, समझा दूं आपको इसके बारे में। एक तरह की मसल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सर्कुलर मसल्स, और दूसरी टाइप की जो मसल्स होती हैं जिन्हें अपन बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। सर्कुलर मसल क्या करती हैं, देखो सर्कुलर मसल सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, और ये क्या करेंगी, हमारे जो एलिमेंट कैनाल है उसका डायमीटर छोटा बड़ा जो होगा वो किनकी वजह से होगा, सर्कुलर मसल्स की वजह से होगा। और दूसरी जो मसल्स होती हैं इन्हें बेटा अपन बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स का काम होता है हमारे एलिमेंट कैनाल की जो डायमीटर है उस डायमीटर को छोटा बड़ा करना। तो डायमीटर को जो छोटा बड़ा करने का जो काम होता है, ये काम होता है किसका, ये होगा लॉन्जिट्यूडनल मसल्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने क्या देखा कि हमारे जो एलिमेंट कैनाल है इसमें दो तरह की मसल्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी मसल्स हैं, एक तो बाहर की साइड में आपको दिखाई देंगी कौन सी, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, और अंदर की साइड में कौन सी दिखाई देंगी बेटा आपको, सर्कुलर मसल्स। थोड़ा ये साफ कर दूं, यस, ठीक है। तो बाहर है ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स क्या करेंगी, एलिमेंट कैनाल की लंबाई को कम ज्यादा करेंगी। और इसके नीचे जो मसल्स हैं ये कौन सी हैं, ये हैं सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स डायमीटर को कम ज्यादा करेंगी, ये कौन सी हो गई, सर्कुलर मसल्स। दोनों तरह की मसल्स जो मिला के क्या बनाते हैं, मस्कुलर लेयर बनाते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा हो गया, सिरोसा, उसके नीचे हो गया मस्कुलर लेयर। और मस्कुलर लेयर में दो तरह की लेयर है, आउटर साइड में लॉन्जिट्यूडनल और अंदर की साइड में सर्कुलर, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा लेयर होता है, ये होता है सब म्यूकोसा लेयर, इसको बेटा अपन सब म्यूकोसा लेयर के नाम से जानते हैं। ये तीसरा लेयर है, ये बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इसमें ब्लड और नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाला जो लेयर दिख रहा है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, सब म्यूकोसा, और इसमें क्या क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स और प्लस इसमें कनेक्टिव टिश्यू। मैं आपको थोड़ा समझा दूं बेटा, देखो बेटा अपन ने पढ़ा है 9th क्लास में कि टिश्यू, एनिमल टिश्यू चार टाइप का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ देखने को मिलेगा आपको, और सबसे अंदर वाला लेयर, सबसे जो अंदर वाला लेयर है वो कौन सा है, म्यूकोसा लेयर। ये देखिए सबसे अंदर वाला जो लेयर दिखाई देगा आपको, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं म्यूकोसा। तो देखो बेटा,
सबसे बाहर का लेयर कौन सा? सिरोसा, उसके नीचे मस्कुलर लेयर, उसके नीचे सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर की साइड में म्यूकोसा। म्यूकोसा किसका बना होता है? म्यूकोसा बना होता है, इसमें आपको दिखाई देंगे एपिथेलियल टिश्यू, इसमें दिखाई देगा आपको कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आपको एब्जॉर्ब करने वाली और सिक्रेट करने वाली सेल्स, तो एब्जॉर्बेटिव सेल्स दिखाई देंगे यहाँ पर। और सिक्रेटरी सेल्स, अरे डाइजेस्टिव सिक्रेट करना है, कुछ भी सिक्रेट करना है तो उसके लिए सेल्स दिखाई देंगे, किसी मटेरियल को एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए सेल्स दिखाई देंगे। तो टोटल अपन ने कौन कौन से लेयर देख लिए? अपन ने देखे चार लेयर, किसमें? एलिमेंट्री कनाल को काट के देखा तो अपन ने इसमें चार लेयर दिखाई दिए। कौन कौन से लेयर देखे? सबसे आउटर साइड का लेयर हो गया सिरोसा, उसके बाद वाला मस्क्यूलरिस, उसके बाद वाला सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाला म्यूकोसा। तो इस तरह से कितने लेयर होते हैं? चार लेयर होते हैं। बहुत अच्छा गायत्री, सबसे बाहर वाला मस्क्यूलरिस, उसके बाद मस्क्यूलर लेयर, मस्क्यूलर लेयर में सबसे आउटर साइड में कौन सा? लॉन्जिट्यूडिनल, और दूसरा कौन सा? सर्कुलर। ठीक है, तो ये आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, अंदर की साइड में सर्कुलर, ठीक है, और बाहर की साइड में कौन सा होता है? लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है, तो इस तरह से हमें टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब अपन ने एलिमेंट्री कैनाल को काट के देखा, और देखें कौन कौन से लेयर दिखते हैं, तो कितने लेयर दिखाई देते हैं? चार। सबसे बाहर का, दोबारा से फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल सिरोसा, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा। सेकंड लेयर मस्क्यूलरिस, नेक्स्ट सब म्यूकोसा, एंड इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर। ये चार लेयर हो गए बेटा। ठीक है, ये लेयर का सीक्वेंस मैं कल पूछूंगा, मेरे को आना बताना आप लोग। ठीक है, तो बेटा ये हो गया, हमने देखिए गट के बारे में एक जल्दी जल्दी हमने देख लिया, एक सुपरविजन कर लिया, हमने हिस्टोलॉजी देख ली इसकी, एलिमेंट्री कैनाल की देख ली हिस्टोलॉजी। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करें तो आप देखिए कौन कौन सी ग्लैंड दिख रही है, तो देखिए कौन कौन सी ग्लैंड दिख रही है, देखो स्टूडेंट, है ना, दिख रहा है ना, पैंक्रियाज दिख रहा है, लीवर दिख रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं, और उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक के अंदर ये छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, क्या बोलते हैं बेटा इनको अपन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो दिख रही हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा बेटा लीवर, ये सब क्या है बेटा, ये सब जो है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड लीवर। ठीक है, ऑल दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब इनके सिक्रीशन क्या काम करते हैं? इनके सिक्रीशन जो होते हैं बेटा, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बेटा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, इसे हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, मुझे याद नहीं है मैंने डिस्कस किया था नहीं किया था, जरा बताइए मेरे को। तो बताओ प्राची, साक्षी, पंकज, शायद सलाइवरी ग्लैंड डिस्कस कर लिया था ना हमने, सलाइवरी ग्लैंड डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। देखो बेटा, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, इनसे सलाइवा सिक्रेट होता है। सलाइवा जो होता है, सलाइवा के अंदर 99.5% वाटर होता है, और उसके अलावा क्या होगा बेटा इसमें? इसमें कुछ एक लुब्रिकेंट, स्मूथ गम जैसा एकदम मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूसिन। अभी क्या काम करता है म्यूसिन? जो होता है खाने को डिग्लूटेट करने में हेल्प करता है।
ठीक है मैं दोबारा 2 मिनट में फटाफट इसको रिवाइज कर देता हूँ। म्यूसिन क्या करता है, म्यूसिन खाने को डुप्लीकेट करने में हेल्प करता है। आप देखो ना, आप किसी भी चीज को बिना प्रॉपर तरीके से सलाइवा मिक्स किए आप उसको सोलोइंग करके देखिए, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको ना, बड़ा अजीब सी फीलिंग होगी, बड़ा पेन टाइप का फील होता है। क्यों? क्योंकि बेटा सलाइवा प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ है, इस वजह से फ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। सलाइवा में कोई चीज प्रॉपरली मिक्स हो जाती है तो क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है, डिग्लूटेट करने में, सोलोइंग करने में हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा एंजाइम प्रेजेंट है, कौन कौन से, सलाइवरी अमाइलेज, इसे हम टायरिन के नाम से जानते हैं, किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, राइस में चपाती में जो स्टार्च होता है ना उसे डाइजेस्ट करता है। दूसरा एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम, ये क्या काम करता है, ये माइक्रोब्स को मारने में हेल्प करता है। तो सलाइवा जो है उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये आयन क्या काम करने वाले हैं, ये डाइजेशन की इफिशियंसी को बढ़ाने वाले हैं बेटा। अब देखो इसमें बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम प्रेजेंट है, मतलब ऐसा एंजाइम प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया को मार रहा है, माइक्रोब्स को मार रहा है, कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। और बेटा इसीलिए हमें, हम लोगों में कोई इंजरी हो जाए ना, कहीं कोई लग जाती है, कहीं कोई इंजरी हो जाती है, कोई बुंस हो जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, डिटॉल लगा लिया, सेवलॉन लगा लिया, यही करते हैं ना। अब जानवरों में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, जैसे कुत्ते को कहीं लग गई तो क्या करेगा, वो टंग से वहां पे सलाइवा लगा लेगा, ठीक है ना, तो उसको भी थोड़ी थोड़ी बायोलॉजी पता है, कुत्ते को भी। हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा स्टमक के अंदर। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसी है, देखो बेटा स्टमक कुछ इस तरह का है, समझे बेटा स्टमक का डिजाइन कैसा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टमक, ठीक है, हमारे स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, कार्डियक, क्योंकि दिल के पास में, हार्ट के पास में ये। दूसरा वाला पार्ट कौन सा हो गया, फंडस। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, बॉडी ऑफ स्टमक, और इसके लास्ट वाला पार्ट कौन सा हो गया, पाइलोरिक स्टमक। अब स्टमक की जो वॉल है ना, इसमें बेटा कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं, अब बेटा ये जो सेल, ये ग्लैंड है ना, इन ग्लैंड को अपन बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरह की होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होती हैं, इनर वॉल में प्रेजेंट होती हैं। बहुत अच्छा श्रेया, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इनर वॉल में प्रेजेंट होती हैं। और इन ग्लैंड्स में आपको तीन तरह की सेल दिखाई देंगी। कौन कौन से तीन तरह की सेल दिखाई देती है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। आप देखेंगे तीन तरह की सेल कौन कौन सी इसमें, देखिए हमारे ये जो है एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और इसमें आप देखिए बेटा इसमें तीन तरह की सेल्स हैं। एक तो है बेटा म्यूकस नेक सेल। अब ये म्यूकस नेक सेल जो है इसके बारे में बताता हूं पहले बेटा, ये क्या काम करती है म्यूकस नेक सेल। बेटा म्यूकस नेक सेल जो होती है ना, ये क्या, नाम से स्पष्ट है ना, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, म्यूकस प्रोड्यूस करती है। ये क्या करता है, खाने को लुब्रिकेट करता है, प्लस ये क्या प्रोड्यूस करती है, बाइकार्बोनेट आयन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना बाइकार्बोनेट आयन क्या काम करता है, बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो खाने की, सॉरी डाइजेशन की इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। आपने देखा ना कई लोगों का पेट खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, वो डाइजेशन खराब चलता है तो क्या करते हैं, मीठा सोडा जो होता है ना, खाने का सोडा जो होता है, एक बच्चे का डाउट है, मैं थोड़ा 2 मिनट में लेता हूँ प्राची, पहले मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ जी, तो देखिए बेटा म्यूकस जो नेक सेल होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस के अलावा बेटा ये क्या सीक्रेट करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करते हैं।
अब बाइकार्बोनेट आयन बेटा ये डाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। जैसे मीठा सोडा, खाने का सोडा जो होता है ना, इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा ये होता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट। और देखो जब इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा, सोडियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन, और ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा, डाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा ना। इसलिए लोगों का पेट खराब होता है ना, थोड़ा डाइजेशन खराब चल रहा है, तो क्या किया, एक ग्लास पानी लिया, उसमें थोड़ा मीठा सोडा डाला, खाने का सोडा डाला, और थोड़ा लेमन डाला उसके अंदर। लेमन भी क्या करता है, डाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और पी गए। या किसी को कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही तो इनो पी लिया। इनो में क्या है, इनो के अंदर जो है बेटा ये मीठा सोडा है, इसके साथ एसिड रेगुलेटर्स हैं कुछ, ठीक। हाँ, तो म्यूकस नेक्स्ट है। देखो मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो स्टमक की इनर वॉल में बेटा आपको ये ग्लैंड दिख रही है, ये ग्लैंड कौन सी है, इनको अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन तरह की सेल्स हैं, कौन कौन सी तीन तरह की सेल्स है बेटा, यहाँ पर, यहाँ पर पहली सेल कौन सी, म्यूकस नेक्स्ट सेल। ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट आयन प्लस वाटर, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रही है। अब इसके बाद दूसरी जो सेल्स हैं वो सेल कौन सी हैं, हाँ दूसरी सेल है बेटा कौन सी, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल। बेटा ये जो पैराइटल सेल होती हैं, ये स्टमक की बड़ी महत्वपूर्ण सेल होती हैं। मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगा, पैराइटल सेल के बारे में। पैराइटल सेल जो होते हैं बेटा, इसे हम कई नामों से जानते हैं पैराइटल सेल को। पैराइटल सेल को बेटा अपन ऑक्सीडेटिव सेल की भी बोलते हैं इसको। तो जो पैराइटल सेल होती है, एक्चुअली सेल चार टाइप की होती हैं, इन्हें ऑक्सीडेटिव सेल भी बोला जाता है। और बेटा ये सेल क्या प्रोड्यूस करी, जरा देखो, ये सेल प्रोड्यूस करती है डाइल्यूट HCl, अब पता है दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होता है, ये पैराइटल सेल जो है या ऑक्सीडेटिव सेल HCl को सीक्रेट कर रही है। देखो बेटा एसिडिक मीडियम में खाना खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है। खाना कब सड़ता है, न्यूट्रल मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, और हमने जो भी खाना खाया वो आ गया कहाँ पे, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर खाना आ गया, अब स्टमक में खाने को स्टोर करना है 4-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे तक इसे स्टोर करना है। तो स्टोर करते समय खाना खराब नहीं होना चाहिए, खराब हो गया तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो खाने को खराब होने से रोकने के लिए, सड़ने से रोकने के लिए क्या बड़ा महत्वपूर्ण होता है, HCl, ठीक है, इसलिए हमारे स्टमक में HCl सीक्रेट होता है। दूसरा क्या बेटा, HCl जो होता है ये जर्म किलर होता है। खाने के साथ में कोई जर्म यदि बॉडी के अंदर चले भी जाते हैं ना, तो HCl उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, मार डालता है, ठीक है, इसलिए HCl जरूरी है। और एक बात और, स्टमक में जो एंजाइम निकलते हैं ना, वो एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम कर पाते हैं, उनके लिए पीएच बहुत कम होना, तो बेटा ये कंडीशन भी है। इसलिए बेटा ये यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीडेटिव सेल होती हैं वो एक तो डाइल्यूट HCl सिक्रीट करती हैं, और इसके साथ साथ एक सब्सटेंस और सिक्रीट करती हैं जिसे अपन बोलते हैं, सॉरी, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर। अब ये कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर थोड़ा बेकार सा नाम आ गया ना, ये क्या काम करता है बेटा, ये जो फैक्टर होता है ना, इट इज मस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए मस्ट होता है। ये विटामिन B12 के बेटा एब्जॉर्प्शन के लिए मस्ट होता है, कौन सा, कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर। ये किसने सिक्रेट किया बेटा, ये सिक्रेट किया किसने, ऑक्सेंटिक सेल्स ने सिक्रेट किया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा, ठीक। अब इसके बाद जो तीसरी सेल्स आपको दिख रही हैं, वो सेल कौन सी दिख रही हैं, चीफ सेल। बेटा ये जो चीफ सेल होती हैं, इनको हम कई नाम से जानते हैं, इनको अपन पैप्टिक सेल भी बोलते हैं, या बेटा इसको हम जाइमोजन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सेल होती है ना, पेप्टिक सेल या जाइमोजेनिक सेल्स,
ये सेल जो होती हैं ये एंजाइम सिक्रेट करती हैं। ये क्या सिक्रेट करती हैं स्टूडेंट्स? एंजाइम। स्टोमक में जो भी एंजाइम निकलने वाले हैं वो एंजाइम कौन सिक्रेट करेंगी? ये वाली सेल। कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करती हैं? जैसे कि पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। तो इस तरह के बेटा ये एंजाइम जो है सिक्रेट करते हैं कौन सी? चीप सेल। तो चीप सेल को बेटा हम क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल या जाइमोजेनिक सेल्स के नाम से जानते हैं। तो आपने देख लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? स्टोमक के इनर वॉल में प्रेजेंट है। इनमें कितने तरह की सेल्स हैं? इनमें तीन तरह की सेल है मेनली। कौन कौन सी? म्यूकस नेक्स सेल, पैराइटल सेल और चीप सेल। ओके अच्छा, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा जी सेल, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा जी सेल क्या है। एनसीआरटी मेंशन नहीं किया इसलिए मैंने बताया नहीं। जी सेल जो है एक सेल और होती है जो यहाँ प्रेजेंट होती है जो एक हार्मोन सिक्रेट करती है। एक हार्मोन होता है उसका नाम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन, वो ही सिक्रेट करती है। ठीक है, पर छोड़िए वो हमारे एनसीआरटी मेंशन नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, हमारे एक स्टूडेंट का डाउट था कि सोते समय सलाइवा कुछ लोगों के जो है माउथ से बाहर आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा, इसका रीजन ये होता है कि एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं जब सोते समय बेटा वो करोड़ देके सोते हैं, करोड़ देके सोना अच्छी बात होती है, पर जिस समय उनका माउथ ओपन हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सोते समय इनका माउथ ओपन हो जाता है। अब जब माउथ ओपन हो जाता है तो क्या होता है? माउथ ओपन होते समय बेटा अब माउथ का क्या, डिहाइड्रेशन चालू हो जाता है, माउथ सूखना चालू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं और सलाइवा सिक्रेट करना चालू कर देती हैं, और ये सलाइवा जो है माउथ से बाहर आ जाता है। आप मान लीजिए राइट साइड में करोट लेकर लेटे हुए हो तो राइट साइड में सलाइवा लगातार सिक्रेट होता रहेगा, और उसकी वजह से सलाइवा के जो है यहाँ पर वेपोराइज होने से व्हाइट कलर के निशान आपको किसी एक साइड में जो है माउथ के देखने को मिलेंगे। पर ऐसा सभी में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है, तो मोस्टली बच्चों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि बच्चों में सलाइवरी ग्लैंड की एक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे लोग बुढ़े होते चले जाते हैं ना, सलाइवरी ग्लैंड की एक्टिविटी कम होती चली जाती है, तो बुढ़े लोगों में ऐसा देखने को नहीं मिलता, बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है ऐसा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं, कुछ लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं जिनका आईक्यू बहुत कम होता है। मेंटली रिटार्डेड मतलब ऐसे मूर्ख गधे जिनका आईक्यू काफी कम होता है। नॉर्मल पर्सन के आईक्यू की अगर बात करें ना, तो नॉर्मल पर्सन का जो अपने को आईक्यू देखने को मिलता है वो 91 से लेकर 110 तक आईक्यू देखने को मिलता है। मान लीजिए कोई मंद बुद्धि जिसका आईक्यू कम है, तो कई बार क्या होता है बेटा, उनके ब्रेन का वो पोर्शन जो सलाइवा सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रेट करने के लिए ऑर्डर प्रोवाइड करता है, मतलब हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा डिफेक्टेड होता है, खराब होता है। तो ऐसे में क्या होगा, आपने देखा कई मंदबुद्धि वाले बच्चे उनका माउथ लगातार ओपन रहता है, बैठे होंगे, खड़े रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, दोनों माउथ लगातार ओपन ही रहेगा और उसमें सलाइवा टपकता रहता है। कई बार देखा होगा आपने मंदबुद्धि वाले बच्चे ऐसे देखे होंगे। ठीक है अच्छा, कई बार क्या होता है कुछ लोगों को पैरालिसिस का अटैक हो गया तो फेस वाला पोर्शन कई बार अफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो जाता है। ऐसे में कई बार क्या होता है, माउथ ओपन रहता है और उसमें सलाइवा लगातार निकलता रहता है, ऐसा देखने को मिलता है, पैरालिसिस के अटैक में देखने को मिलता है। ऐसा कब होता है पैरालिसिस का अटैक? कोई पर्सन ऐसा है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसको कई बार इस तरह का पैरालिसिस का अटैक भी हो जाता है। तो बेटा अपन ने ये देखा, अपन ने क्या देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर तीन तरह की सेल, कौन कौन सी? म्यूकस नेक्स सेल, दूसरा चीफ सेल, तीसरा ऑक्सेडिक सेल। और ये क्या क्या सिक्रेट कर रही है बेटा वो भी अपन ने देख लिया। ठीक है, अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, इस सिक्रीशन को अपन कलेक्टिवली बेटा किस नाम से जानते हैं? इसे अपन कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना उसका पीएच बहुत कम होता है। अपन ने पीएच स्केल फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ी है ना, अपन ने देखा होगा पीएच स्केल के रिगार्डिंग क्या देखा कि 7 पीएच न्यूट्रल, 7 से ऊपर बेसिक, 7 के नीचे एसिडिक। गैस्ट्रिक जूस का पीएच पता है कितना है?
1.8 से लेकर 2 पीएच, ये पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का, मतलब ये एक्सट्रीम एसिडिक होता है बेटा। और गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट है पता है आपको, 99.5% तो वाटर ही है, इसके अलावा 0.5% जो है एंजाइम्स और अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं लीवर के बारे में। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लीवर इतनी बड़ी ग्लैंड होती है कि इसका जो वेट होता है वो 1.5 किलो होता है, 1.5 kg वेट होता है लीवर का, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई देता है, रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है बेटा लीवर, ठीक है। लीवर, ह्यूमन का जो लीवर होता है ना, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। आप जरा लीवर को ध्यान से देखिए, आपको इसमें दो लोब दिखाई देंगे। कौन कौन से दो लोब दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, एक तो आपको दिख रहा है राइट लोब, एक आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे लेफ्ट लोब। तो राइट लोब और लेफ्ट लोब, और ये एक व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बैंड होता है, इससे ये आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं दोनों लोब, ठीक है। तो ह्यूमन का जो लीवर होता है बेटा ये कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब वहां पे देखिए बेटा, यदि हम लीवर को थोड़ा इलाज करके देखें लीवर को, तो अपने को क्या दिखाई देता है बेटा इसके अंदर, इसके अंदर कैसे बड़े बड़े आपको कुछ, जैसे बेंजीन का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना लोअर क्लास में, ऐसा इस तरह के आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, हीपेटिक लॉब्स के नाम से जानते हैं। और ये सब क्या सिक्रेट करते हैं, बाइल जूस। ये सब जो है बेटा बाइल जूस सिक्रेट करते हैं। दिख रहा है बेटा ये लीवर, यहाँ क्लियर कट दिख रहा है आपको, लीवर में दो लोब है, एक तो राइट लोब है और दूसरा लेफ्ट लोब है। दोनों जो है बेटा एक व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बैंड है, उससे चिपके हुए हैं। और लीवर के नीचे आपको एक ग्रीन कलर का ग्लैंड दिख रहा है ना, इसे अपन क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। ये बाइल जूस जो है लीवर से निकलता है और कहां जाके स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। हो गया बेटा क्लियर ये, ठीक है। हाँ, अब लीवर को बेटा मैंने बताया, काट के देखा अपन ने लीवर को। लीवर को ये बेटा यदि हम काट के देखते हैं तो क्या दिखाई देगा, जरा इसमें जरा देखो, हमने लीवर को काट के देखा, काट के देखा, अब अपन क्या देखते हैं इसके अंदर, आपको इसके अंदर जो है हेक्सागोनल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, हीप्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं बेटा हेपेटिक लोब। इन्हें बेटा अपन क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब के नाम से जानते हैं। ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब। ठीक है, अब इनके अंदर जरा देखो, हेपेटिक लोब के अंदर देखिए आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या दिखा रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि लीवर सेल्स जो है अरेंज है, ठीक है। और बीच में क्या है, बीच में आपको दिखाई देगा एक सेंट्रल वैन। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा डिटेल में मैं सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करूं बोर्ड पे ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं बोर्ड का यूज करता हूं स्टूडेंट्स। यस, ये कोई पर्सन है बेटा, आप देखेंगे बीच में यहां पे क्या है, डायफ्राम। और डायफ्राम के नीचे यहां पे आपको एक बाइलोब स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा ये क्या है, लीवर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, लीवर, ठीक है। तो लीवर जो है बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, सो इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी।
ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है बेटा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करके देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसका। बेटा लीवर को थोड़ा इनलार्ज करके देखे ना, तो लीवर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ये बाइलोब स्ट्रक्चर दिखाई देगा कुछ ऐसा। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे व्हाइट फाइब्रस कनेक्ट टिश्यू का एक ज्वाइंट दिखाई देगा। इधर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं राइट लोब ऑफ लीवर, ये होता है इधर लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि राइट लोब बड़ा है और लेफ्ट लोब छोटा है, ठीक है। अब लीवर के नीचे की साइड में एक ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इस ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बेटा आप देखेंगे कि लीवर से कुछ ग्लैंड्स निकल रही हैं, सॉरी डक्ट निकल रही हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और यहां पे देखिए ये हो गया राइट लोब। इन डक्ट को अपन बोलते हैं हिपेटिक डक्ट, ठीक है। ये क्या है गॉल ब्लैडर, इस डक्ट को अपन बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और ये हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों डक्ट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बेटा लीवर की मॉर्फोलॉजी, मतलब ऊपर से अपन देखें लीवर को तो लीवर कैसा कैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अपन ने लीवर को काट के देखा, ठीक है, लीवर को काट के देखा। आप देखते हैं लीवर को काट के देखा तो कैसा दिखता है, जैसे मान लीजिए ये कोई लीवर है और लीवर को काटा, और काट के देखते हैं कैसा दिखाई देता है लीवर। बेटा जब अपन इसको काट के देखते हैं ना तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कैसा, इसके अंदर जो है आपको कुछ ऐसे बड़े बड़े लोब दिखाई देंगे। इस तरह के लोब दिखाई देंगे आपको, इन्हें अपन बोलते हैं इस तरह के, जो बेटा आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे इन्हें अपन बोलते हैं हिपेटिक लोब। अब ये हिपेटिक लोब का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं थोड़ा ये डिस्कस करूंगा, ये मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा बेटा। आई थिंक टाइम इज ओवर, समय हो गया है, दूसरा लेक्चर भी है, तो इसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को पूछते जाइए, व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स आपको सेंड किए हैं, एक बार उनको रीड करके देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे बेटा वो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर को वॉच किया, समझा, कोऑपरेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बट मैं आपको कॉन्फिडेंट देता हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ इसके बाहर कभी भी नीट एग्जामिनेशन में नहीं आना, इतना कॉन्फिडेंट रहिए बेटा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद करते जाओ, समझते जाओ, बस इट्स इनफ, थैंक यू।